महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के 11वें दिन की शाम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार की शाम महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जबकि देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया। इस दौरान शिवसेना और बीजेपी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि एकनाथ शिंदे के बतौर सीएम पद की शपथ लेने के बाद अब अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की नई कैबिनेट तय होगी। गुरुवार शाम को देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, जबकि इनकी कैबिनेट अगले कुछ दिनों में शपथ लेगी। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि वो राज्य के शिंदे सरकार का हिस्सा नहीं होंगे और बाहर से उन्हें समर्थन देंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें सरकार बनाने का प्रस्ताव सौंपा था। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस पहले नई सरकार में कोई पद लेना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे के शपथ लेने के बाद उन्हें पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने की बधाई देता हूँ। वो जमीन से जुड़े नेता हैं, राजनीति में उनका अनुभव महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मैं उन्हें एक बार फिर बधाई देता हूं। सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन, मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन।